हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। अभी मैं आपको हवा महल दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब हवा महल देख कर हम जाएंगे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस देखो कितनी अद्भुत कलाकारी बना रखी है भाई हवा महल की। यहाँ देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी हम निकले हैं सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस भी बहुत ही बढ़िया, यानी कि जयपुर की एक शान है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई मान सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1729 और 1732 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये देखिए भाई, सीधा रास्ता हवा महल से सिटी पैलेस का। आज मैं आपको जयपुर के सिटी पैलेस लेकर चलूँगा। आपको बताऊँगा कि वहाँ पर कैसी टिकट मिलती है, कितने रुपए की टिकट मिलती है, और इसका निर्माण कब हुआ था। यह है सिटी पैलेस में एंट्री करने का फर्स्ट गेट। यहीं से आप सिटी पैलेस की एंट्री होती है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, इस पर लिखा हुआ भी है महाराजा महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम द सिटी पैलेस ऑफ जयपुर। ये साइडों में देखने सब राजशाही चीज़ बना रखी है बिल्कुल। राजस्थान में दो सिटी पैलेस हैं, एक जयपुर में स्थित है और एक राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। जो जयपुर राज उदयपुर का सिटी पैलेस है वो जयपुर के स्थित के सिटी पैलेस से काफ़ी अलग है। यह महल जयपुर में स्थित महल से काफ़ी समय पहले बनाया गया था। आज हम जयपुर के सिटी पैलेस की बात करेंगे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हो सब जयपुर के सिटी पैलेस का है। सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसिद्धियों में से एक है। यह महल परिसर है एक। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत भी है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए भाई, ये खूबसूरत परिसर है। इसमें कई इमारतें हैं, विशाल आंगन है, आकर्षक बाग हैं जो इसके खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ये जो राजशाही इतिहास है उसकी निशानी है। इस परिसर में चंद्र महल, मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण और भी भवन है। ये है इसका मेन गेट, इसके लेफ्ट साइड में जो इसकी टिकट है कटती है। स्टूडेंट के लिए 150 रुपये टिकट है और जनरल के लिए 300 रुपये की टिकट है, और जो बाहर से विदेशी आते हैं उनके लिए 500 रुपये टिकट। ये कैसे आ गए हैं। बस आज की भी इतना ही।